India refined it and exported to the world over. So this way, we have already been self-sufficient in the refinery, and indeed we export the refined oil to different countries and earn a good money from it. अच्छे खासा profit भी कमा लेता है. पर इस तरह से what we're discussing is that this oil has become like a very crucial element of the economy all the time. Like the oil has become traditionally the main reason of the inflation in India. प्राइस बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण ऑयल ही रहा है. ऑयल हैज अ स्पिल ओवर इफेक्ट. कि अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो वेजिटेबल्स की प्राइस बढ़ती है कि नहीं? यस यस, सबकी स्कूल बस की प्राइस बढ़ती है, वेजिटेबल की बढ़ती है, सबकी बढ़ती है. क्योंकि ऑयल इज इनपुट इन ऑल द सेक्टर्स ना. आप कुछ भी करो ऑयल तो इनपुट है. कहीं से भी कहीं पे जाना है तो ऑयल तो लगता ही है ना. तो इज इट ट्रू दैट इफ ऑयल प्राइस गो अप ओनली रिच कैन अफोर्ड एक्सपेक्टेड? जिनके पास कार है वही अफेक्ट होते हैं क्या? नो, ऑल ऑफ इवन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर गेट अफेक्टेड व्हेन द ऑयल प्राइस गो अप. दैट बिकम द रीजन ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जनरली. पर व्हाट इंटरेस्टिंग, गए कुछ सालों से हमारा एडवांटेज हो रहा है यानी ये गए कुछ सालों से ऑयल प्राइस आर कंटिन्यूसली कमिंग डाउन एंड नॉट गोइंग अप. ऑयल प्राइस कम होती जा रही है और ज्यादा नहीं हो रही है. अभी तो रिकॉर्ड लो है, प्रेजेंटली दे आर इन द रिकॉर्ड लो लेवल. लाइक तो क्या कारण है कि ऑयल प्राइस गिर रही है? व्हाट आर द रीजंस? ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी एंड लॉकडाउन. पूरी कारण होता है कि ऑयल प्राइस गिरेगी लॉकडाउन सर. एक तो कोविड है, कोविड की वजह से देयर इज अ डिमांड ओनली इज इन ट्रबल. पूरे दुनिया में एक्टिविटीज रुक गई है, पीपल बिकम स्टैंड स्टिल. तो डिमांड ही नहीं है. तो डिमांड ही नहीं है तो फिर देन ऑटोमेटिकली व्हाट इज द इशू कि द प्राइसेस आर बीन लाइक गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द ओवर सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ डिमांड. पर ये तो कोविड अभी भी आया, अप्रोक्सीमेटली 2014 से ही प्राइसेस कम होती जा रही है. एक जमाने में $100 होता था पर बैरल, तो अभी ये $20 तक आ गया है पर बैरल. और अगर डेरिवेटिव्स मार्केट में खरीदो परचेस तो $10 में मिल जाता है यानी $10 पर बैरल. हिस्टोरिक लो द प्राइसेस हैव गॉन डाउन. अगर इतने कम प्राइस हो गए हैं तो देयर इज समथिंग मोर देन कोविड ऑफ कोर्स. तो क्या हुआ है कि जो ओपेक नेशंस हैं उनके अंदर ही अंदर झगड़े बढ़ गए हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द ओपेक नेशंस. व्हिच टू कंट्रीज इन द ओपेक आर ऑलवेज ऑन द इनिमिकल मूड? रशिया एंड दुबई, यूएई. रशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक. Russia is the only major oil producing country which is not a part of OPEC. Russia OPEC में नहीं आती. So which two countries in the OPEC has an inimical mood? Iran and Saudi Arabia. Correct. Iran and Saudi Arabia, ये दोनों ही OPEC के मेंबर है. दोनों के पास ऑयल है और ये दोनों देश एक दूसरे को पानी में देखते हैं यानी. क्या कारण है इन दो शत्रुत्व का? What is the reason for inimical attitude? Religious mainly. Both are Islamic. But in Saudi Arabia is Sunnis. ये जो है ईरान इज अ फादरलैंड ऑफ शियाज. ईरान इज अ फादरलैंड ऑफ शियाज. तो उसकी वजह से क्या होता है कि दे हैड लाइक बैड रिलेशनशिप ट्रेडिशनली. एंड सऊदी तो अमेरिका की फ्रेंडशिप लेके बैठा है फॉर्मली. अमेरिका ईरान अमेरिका ईरान के रिलेशनशिप बहुत शुद्ध जा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि देन देयर इज लाइक इंटरनल टसल बिटवीन द बोथ. सऊदी चाहता है कि ईरान को लेसन सिखाए. विल टीच अ लेसन टू द ईरान. हाउ? लेट द प्राइस गो डाउन. प्राइस डीप होने दो. सऊदी के पास तो बहुत रिजर्व्स है तो उनकी इकोनॉमी का वैसे बहुत बड़ा इशू नहीं होता. तो ईरान की रिलेटिवली बड़ी पॉपुलेशन है. अगर ऑयल प्राइसेस कम होता है तो ईरान सफर्स. सो वन ऑफ द रीजन व्हाई सऊदी अलाउड द प्राइस टू डीरेल इज आइडिया ऑफ टीचिंग लेसन टू द सऊदी. वो एक पार्ट है. और एक बात भी है, ये रशिया है इज द सेकंड बिगेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड. पर रशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक. तो ओपेक का ये भी प्रॉब्लम होता है कि ओपेक कुछ कंट्रोल करे लेकिन अगर रशिया ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो देन ऑयल प्राइस गो डाउन.
तो इसलिए रिसेंटली ओपेक प्लस करके भी फॉर्म किया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक ग्रुप है ओपेक प्लस करके। तो ये ओपेक प्लस क्या है कि उसमें रशिया भी आता है, इवन रशिया कम्स इन द ओपेक प्लस एज आइडिया लाइक। तो इस ओपेक प्लस ने में भी डिफरेंसेस है, दैट इज पुतिन एज अ पर्सन इनका तो किससे भी जनता नहीं है, ही इज नॉट एबल टू लाइक मेक अप विद एनी वन ऑफ द पर्सन लाइक। सो इसके वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज आल्सो डिफरेंसेस इन द ओपेक प्लस ग्रुप। सऊदी का और एक व्यू है, सऊदी को क्या लग रहा है कि द वे द टेक्नोलॉजी चेंजिंग, द वे द टेक्नोलॉजी बीन चेंजिंग, तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ क्विक टेक्नोलॉजिकल नए नए रिए आते हैं, तो न जानू ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू आ जाए कि ऑयल का महत्व खत्म हो जाए। द वे द ब्रेक थ्रूज आर हैपनिंग इन द सोलार विंड न्यूक्लियर, तो अगर समझ लो कि कोई विजिबल आउटकम मिल गया और ऑयल का महत्व ही खत्म हो गया तो इनको कौन पूछेगा यानी। तो सऊदी को ऐसा भी लगता है कि क्या कर लो एनकैश कर लो, जो कुछ भी ऑयल पड़ा है उसको एनकैश कर लो, क्योंकि एक बार पॉक का महत्व खत्म हो गया तो वैसे भी कौन पूछने वाला है। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, जितना बेचना है उतना बेच लो, बाद में शायद is not able to sell the oil to anyone, even that is the reason ki they are not ready to curtail the production. Abhi bhi recently thoda agree kiya curtail karenge, but otherwise they are not agreeing to each other now on the strategy in the coming time. But of course they are suffering economically, unka jo economic standard hai rehne ka rahne se inka wo kam ho raha hai, and so oil prices will not remain permanently low, they will go up in the coming time. Te karun ta karte Keep my only mother still. एक मिनट so we're discussing that the oil prices in the future may go up, not immediately like that. So is this a government of India has a big advantage or big disadvantage in the situation? इंडियन गवर्नमेंट को तो फायदा है नुकसान है, सब में ऑयल प्राइस कम हो रही है, सो दैट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज एडवांटेज क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑयल, और एवरी ईयर 4% से डिमांड ग्रो होती रहती है भारत में, पर अगर ऑयल प्राइस कम होती है तो सब भी एडवांटेज द गवर्नमेंट गेट। इम्पोर्ट बिल कम होता है ड्रास्टिकली, 72% से कम हो गया है ईयर ऑन ईयर, इतना कम हो गया है बिल इम्पोर्ट बिल, और वैसे भी अभी कोविड की वजह से एक्टिविटी नहीं है तो इंपोर्ट भी कम हो गया है, तो इंपोर्ट बिल भी कम हो गया है और इंपोर्ट भी कम हो गया है। सेम टाइम चाइना से हमारा इंपोर्ट बहुत होता है बाकी चीजों का, अभी ये चाइना इंडिया इश्यू चल रहे हैं तो चाइना से भी इंपोर्ट कम होने लगा है। एंड सो व्हाट इंटर लास्ट क्वार्टर में ऐसे हुआ है 3 मंथ में कि हमारा कैड जो है करंट अकाउंट टाइम बहुत सारे सालों में क्या हो गया है, बहुत सालों के बाद ये भी पॉजिटिव हो चुका है फर्स्ट टाइम। पॉजिटिव मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, नहीं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ये हमेशा नेगेटिव में रहता है, आवर एक्सपोर्ट्स आर आवर इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, तो ये फायदा है। तो दूसरी तरफ ये भी है कि इंडिया एंड ऑयल का रिलेशनशिप थोड़ा ट्रिकी है ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड कि कैसे कि अगर ऑयल कंजम्पशन बढ़ता है भारत में तो उसका मतलब क्या होता है, if the oil consumption go up in the country, you know what's the meaning of it? What you can derive if the oil consumption is going up in the economy? hum usse kya derive kar sakte hain na, क्या सिद्ध होता है उससे, गेस। फिर आवाज आ रही है ना,
तो ऑयल कंजम्पशन बढ़ता है मतलब इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल थ्रॉटल, कि इकोनॉमी अपने पूरे हिस्से बढ़ रही है. कंजम्पशन इज मोर मींस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फुल्ली गोइंग ऑन. फार्मर्स आर डूइंग फार्मिंग बाय ट्रैक्टर, पीपल आर गोइंग टू ऑफिसेस डूइंग द वर्क. तो इस तरह से अगर ये बढ़ती है ऑयल कंजम्पशन तो अच्छा ही एक तरह से, पर उसका दूसरा नेगेटिव होता है कि अगर नॉर्मल टाइम में ऑयल प्राइस ज्यादा होती है एंड देन कंजम्पशन इज गोइंग अप तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी गो अप, ये सब इशू भी होता है. फिलहाल तो इशू नहीं है कि ऑयल प्राइस कम हो गए है, सो वी कैन लाइक. तो हमने ये भी सोचा है कि ऑयल क्या करके रखने का, स्टोर करके रखने का, कि कभी कल खत्म हो गया या फिर कल कभी प्राइस बढ़ते हैं तो यू कैन लाइक हैव स्टोर्ड ऑयल. सो ऑयल सिक्योरिटी, जैसे फूड सिक्योरिटी की बातें करते हैं वैसे ऑयल सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है. तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व करके कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि एक ऐसे एक एसपीवी फॉर्म की है कंपनी, स्पेशल पर्पज व्हीकल, कि इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कंपनी करके है, एंड थ्री प्लेसेस दे हैव पुट अप द स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स. बहुत बड़े बड़े एरिया में अंडरग्राउंड ऑयल स्टोर्ड, कि ऑयल को स्टोर करके रखते हैं कि अगर कोई भी कोई बड़ा युद्ध होता है, कुछ होता है, ऑयल नहीं आता, होल इकोनॉमी कम टू स्टैंड स्टिल, ना, यू शुड हैव सम ऑयल रिजर्व. तो कौन से जगह पे है ये ऑयल रिजर्व? विशाखापट्टनम में है आंध्र में, या फिर मैंगलुरु में है कर्नाटक में, पाडूर करके एक प्लेस है कर्नाटक में ही. सो पाडूर, मैंगलुरु एंड विशाखापट्टनम, ऐसे तीन जगह पे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमने रखा है यानी. तो नाउ वी हैड अ फुल चांस टू इंक्रीज इट. इतने प्राइस कम हो गए हैं ऑयल के, तो यानी एक्चुअली वी शुड बाय द मोर ऑयल एंड कीप इट. प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि हमारे रिजर्व ऑलरेडी फुल है, तो रखने के लिए जगह ही नहीं है. तो अदरवाइज बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री कोई अगर हमारे लिए रखने के लिए तैयार है तो हम पैसा देंगे और बोलेंगे यानी वी लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लाइक रिजर्व द ऑयल समवेयर आउटसाइड इफ पॉसिबल लाइक. तो वो भी हम देख रहे हैं कि फिलहाल तो ऐसे हो गया कि यार ऑयल का डिमांड इतना कम है कि ऑयल जो है वो ही बिक नहीं रहा है. सो ऑल ऑयल लाइक पेट्रोल पंप्स आर नॉट डिमांडिंग एनी ऑयल, उनका तो ऑलरेडी ऑयल पड़ा है. इसलिए तो अमेरिका में जो ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं दे बिकम नेगेटिव. नेगेटिव मतलब क्या? तो फर्स्ट टाइम ऐसे हो गया कि यानी नेगेटिव का मतलब ऐसे है कि द सप्लायर इज रेडी टू पे द मनी फॉर बायर्स टू बाय, क्योंकि अदरवाइज उनका जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ता है ना. तो दे आर रेडी टू सप्लाई आर रेडी टू गिव द मनी टू द बायर्स टू बाय द ऑयल. सच ए इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक लो द ऑयल प्राइसेस हैज गॉन अप रिसेंटली. सो ओवरऑल वैसे तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है वी कैन से लाइक. तो इतना सारा कम होके यानी कि नियरली $10 पर बैरल तो हिस्टोरिक लो है. Are Indian people getting advantage of these low prices? No. No. तो वो तो हमने पास ऑन नहीं किया है. उल्टा गए कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ऑयल प्राइस तो बढ़ती जा रही है, हर दिन बढ़ती जा रही है, 10 दिन में 8 बार बढ़ाई है प्राइस. तो जितना इंटरनेशनल प्राइस कम होती है तो यहाँ पे बढ़ती जा रही है. तो हाउ कम इट इज हैपनिंग लाइक, कैसे हो रहा है इसे? How this is happening? Logically कम होनी चाहिए ना. एक जमाना ऐसे था कि गवर्नमेंट ये सब मैनेज करती थी, ऑयल एक ऑयल पूल अकाउंट बनाया था, उसमें पैसा रखती थी कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ भी गए तो यहाँ पे कमी रखती थी, उस ऑयल पूल अकाउंट से यूज कर लेती थी, और ऑयल प्राइस कम भी हो गए तो यहाँ पे कम नहीं करती थी और उस अकाउंट में पैसे डाल के रखती थी यानी. इस तरह से फिर प्राइस स्टेबल रखती थी गवर्नमेंट एक जमाने में. पर अभी ऑयल पूल का लॉजिक छोड़ दिया है और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया है कि जैसे ही इंटरनेशनल प्राइसेस कम ज्यादा होंगे विल पास इट ऑन टू द पीपल इमीडिएटली. कम हुए तो कम, ज्यादा हुए तो ज्यादा, आप और इंटरनेशनल प्राइसेस, हमारा कोई बीच में नहीं है. पर वैसे उस लॉजिक से जाएंगे तो प्राइसेस तो इतने कम हो रही है पर लोगों को हाँ कम मिल रही है. 80 रुपीज पर लीटर इतना प्राइस हो गया.
नहीं सोचा आपने, ये आपने पढ़ा नहीं पेपर में थोड़ा सा भी? टैक्सेस इंक्रीज, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करते हैं कि अपने अपने टैक्सेस लगा देते हैं और बढ़ा देते हैं एवरी टाइम द ऑयल प्राइस कम डाउन, दे डोंट पास इट ऑन द एडवांटेज टू पीपल बट इंक्रीज द टैक्सेस इमीडिएटली। क्योंकि क्या है लॉजिक इसमें कि एक तो ऑयल डिमांड इज इन इलास्टिक, यू नो व्हाट डू मीन बाय इन इलास्टिक डिमांड इन द इकोनॉमिक्स, इन इलास्टिक मतलब लोग लेते ही है, आप प्राइस को कुछ भी करो ऑयल इज ऑयल, लाइक आपने कुछ कार ली बाइक ली तो ऑयल लगेगा ही, हाउ कैन यू नॉट लाइक टेक द ऑयल, लाइक तो लोग ये करते हैं थोड़ा ऐसा वैसा पर लेते तो है ही, ऐसा तो नहीं होके लेंगे नहीं, तो वो लेते तो है, तो फिर ये क्या होता है कि इट्स अ गुड एडवांटेज टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट सी इट एज वन ऑफ द मेन मनी सोर्स फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि बाकी जगह पर डेफिसिट होता है या टैक्सेस कम मिलते हैं तो बस यहाँ जमा कर लो, दैट इज बिन इशू दे हैड लाइक अ लॉजिक। तो इस तरह से टैक्सेस बढ़ा देते हैं सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस एंड डोंट अलाउ द price advantage to pass on to the people. How central government has defined this logic, they call it a carbon tax. You know, they call it by the idea called as a carbon tax. You know, what is the idea called carbon tax? Carbon tax ka logic kya hai? Oil is a carbon, na? केरल में है उसको सिन टैक्स कहते हैं, सिन टैक्स। ये ऐसी चीज नॉन मेरिट है, नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा के महंगी करते हैं, तो थोड़ा सा वैसे लॉजिक गवर्नमेंट का कि ऑयल यूज करते हैं तो कार्बन ये बढ़ता है पॉल्यूशन, तो बस उसके ऊपर टैक्स लगाते जाओ and justified as a carbon tax. Carbon tax bole to fir kon kya bolega yaar, it's like to save the environment, to reduce the pollution, we are bonded to the Paris agreement na, every country will create their own targets, internally determined targets will be honge, will be there, India has taken its own targets of reducing pollution, so then that's a justification. And state government ka justification kya hota hai कि जैसे ही जीएसटी आया है उनके हाथ में वैसे वैसे भी कुछ नहीं रह गया है, इन जीएसटी हु डिसाइड द रेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, हां ना, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है, पर जीएसटी काउंसिल में तो सेंटर का ही डोमिनेंस एक तरह से होता ही है, स्टेट्स का वोटिंग पावर है, पर देन तो अभी भी जीएसटी के बाहर क्या है, व्हाट इज स्टिल आउटसाइड जीएसटी, ऑयल, ऑयल ऑयल, ऑयल तो बाहर ही है ना, तो अभी भी स्टेट को अपॉर्चुनिटी होती है कि यानी ऑयल पे टैक्स लगा के जो कुछ भी इकोनॉमी का इशू है वो हैंडल कर लिया ना, तो इसलिए स्टेट भी लगाती है सेंटर भी लगाती है और ये कर करके फिर ऑयल प्राइस कम होने नहीं देते हैं, दे डोंट अलाउ द ऑयल प्राइस टू कम डाउन टू द पीपल, लाइक अगर बढ़ गए इंटरनेशनली तो पास ऑन करता है, पर कम हो गए तो पास ऑन करने की गवर्नमेंट की आदत नहीं है, दे जस्ट ट्राई टू कीप द मॉप ऑफ द मनी विद देमसेल्व्स। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरनेशनली क्रूड प्राइस के प्राइस कम हो गए तो ये कम करते, ऐसा लॉजिक नहीं है, गवर्नमेंट हैज नॉट लिंक द इंडियन ऑयल प्राइसेस विद द क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे हैव लिंक्ड इट विद द पेट्रोलियम प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइस अलग होती है पेट्रोलियम अलग है, तो इन्होंने डायरेक्टली पेट्रोलियम से लिंक किया है, और वो भी क्या किया है कि इन्होंने बास्केट बनवाया है किसके प्राइस से, तो इस बास्केट में ऐसे कंट्रीज लिए है जहाँ पे ऑयल प्राइस ज्यादा है, जैसे सिंगापुर, तो सिंगापुर में ऑयल प्राइस ज्यादा होती है, तो बस वहाँ का लॉजिक रखने का, अगर वहाँ पे 80 रुपीज है तो यहाँ पे भी 80 रुपीज रखने का है ना, अगर वहाँ पे 80 रुपीज है और यहाँ पे हम 75 में बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट का कहती है कि हम 5 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी ऑफ 5 रुपीज, शायद गवर्नमेंट का प्रोडक्शन कॉस्ट होगा 50 रुपीज, तो 50 रुपीज थिंग दे आर सेलिंग एट 75 एंड स्टिल क्लेम दैट वी आर गिविंग द 5 रुपीज सब्सिडीज, अभी तो सब्सिडी तो है ही नहीं, प्रेजेंटली इंडियन प्राइसेस ऑफ ऑयल आर मोर देन द इंटरनेशनल प्राइसेस, वो तो इंटरनेशनल प्राइस से भी ज्यादा है, सब्सिडी का तो सवाल ही नहीं आता है ने, तो इस तरह से ऑयल प्राइसेस आर पर्पसली केप्ट हाई बाय द गवर्नमेंट, इन रिटर्न ये कम होंगे ही नहीं क्या, तो शायद कम होंगी, पर वी हैव टू लाइक वर्क ऑन अवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सप्लोर मोर ऑयल रिजर्व्स इन द इंडियन सीज, क्या जैसे यूएस ने क्या किया, व्हाट इज द यूएस ट्रिक,
of reducing the dependence on import of petroleum? Shale gas. Shale gas. Shale gas, shale oil, R&D बढ़ाया, ऐसी टेक्निक निकाली कि जिससे यानी थोड़ा थोड़ा भी निकालेंगे बाहर तो बहुत बड़ा पेट्रोल जमा कर लेता है. तो US nearly is self-sufficient petroleum now. Indeed, they are in the position to export the petrol if required. तो शेल गैस शेल ऑयल ये भी हमने भी रिसर्च करना चाहिए. इंडिया से सच ए वास्ट सी कोस्ट, वहां से हम निकाल सकते हैं पेट्रोलियम, मैंने तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा. वी टू ऑल्सो प्रमोट द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये हमने प्रॉमिस किया है कि हम 2023 तक ऑयल इम्पोर्ट 10% से कम करेंगे. यानी ऑयल इम्पोर्ट कम करेंगे मतलब इकोनॉमी 10% से कम कर नहीं है, इकोनॉमी तो बढ़ा नहीं है. तो हाउ बाय नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, विंड सोलर टाइडल, उस सबको यानी पूछ दो, इंक्रीज द लाइक अपॉर्चुनिटीज इन दैट सेक्टर. तो इवन दैट इज अ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी टू डू दैट, ऐसे हम कह सकते हैं. सो व्हाट इज द होल स्ट्रेटजी इज कॉल्ड द डी रिस्किंग. ऑयल से हमने डी रिस्क करना चाहिए खुद को कि वी शुड नॉट टू मच डिपेंड अपॉन द ऑयल हियर आफ्टर लाइक, एंड वी शुड डाइवर्सिफाई द एनर्जी नीड्स ऑफ द इंडिया. That could be said like I also made some slides about it. So, आप वो slides देख लेते हैं एक बार about oil. ये कोई point अगर हमारा यानी रह गया होगा तो वो भी हम cover कर लेंगे. Oil is called the black gold. Why it's called black gold? Carbon. हाँ, जो crude oil है that looks of what color, you know? Black. Crude oil ka jo color hai wo black hi hota hai. So in that sense oil is oil like, it's like a gold only. Jiske paas hai usko bahut bada fayda milta hai. Interestingly, Asia mein sabse pehla oil kahan pe paya gaya? Saudi mein ya Iran mein ya Iraq mein ya Qatar mein? एशिया में सबसे पहले ऑयल कहाँ पे पाया गया? यू नो इंडिया में ही, इट इज फाउंड इन इंडिया. वेयर? वेयर इन इंडिया? 1889 दिग्बोई कहाँ पे है? आसाम में है. आसाम में रेलवे का काम चल रहा था तब रेलवे इंजीनियर्स हैव फाउंड ऑयल देयर. सो दे गॉट सो मच एक्साइटेड, दे टोल्ड द लेबर कि दिग बॉय दिग और खोदो ऑयल निकलता गया. सो दैट वर्ड्स बिकम फेमस, दिग बॉय दिग, और उससे इस प्लेस का नाम पड़ गया दिग्बोई. और वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी है. सो व्हाट इंटरेस्टिंग कि एशिया में फर्स्ट टाइम ऑयल वॉज स्टक इन इंडिया एंड नॉट इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज. वेस्ट एशियन कंट्रीज में बाद में मिला है रिलेटिवली. So that way India also had oil, but not sufficient to cater to our needs, one can say like that. And we have to also like improve our technologies. जैसे BS6 हमने भी ले लिया है directly. So our refineries are upgrading to the BS6. So BS6 में consumption कम होता है and फिर भी performance improves. As you know, from BS4, Bharat Standard 4, all our cars and bikes has to shift directly to now BS6. एक बड़ा ही jump हमने ले लिया है. Even that's a good idea indeed like that. So India, it's a forex 20% of the import bill. Demand is globally declining. ये तो हमने point देख लिया थे. Next कि US के price कम हो गए हमने देखे हैं. Storage space का problem हो गया है. Covid is a blessing in disguise. अगर $1 से price कम होती oil की तो we gain a $1.5 billion का फायदा होता है. यानी इतना import bill कम होता है. So it's a prudent step for India. टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व. तो हमने 5.33 million tons का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना के रखा है. जैसे फूड में हम बफर स्टॉक भरते हैं, बना के रखते हैं, दैट्स द सेम वे वी ऑल्सो मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ ऑयल. तो उससे सेविंग भी होती है. 50 billion rupees का सेविंग हो गया है हमें उससे. जाने कैड के बारे में हमने देख लिया. अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो वी शुड ऑल्सो टर्न टूवर्ड्स कोल. ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वैसे कोल तो पोल्यूशन करता है पर इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. तो हम कैसे कोल को भुला दे रहे हैं?
we shall find out the better ways of using coal, reducing the pollution through it, for we shall use the coal. We cannot turn back to the coal as such. हम उसकी तरफ पीठ नहीं कर सकते, यानी कोल हमारा हम अपना मिनरल है, यानी एक तरह से सो गवर्नमेंट टारगेट टू रिड्यूस द क्रूड ऑयल इंपोर्ट लाइक नेक्स्ट बट 10% हमने देखा गैस पाइपलाइन, ये पॉइंट हो गया कि गैस इज ऑल्सो गुड अल्टरनेटिव, सो वी आर पुटिंग अ गैस पाइपलाइन फ्रॉम कुछ टू कोहिमा, कुछ इज इन गुजरात टू कोहिमा नागालैंड एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी. तो गैस में कैसा होता है कि पाइपलाइन डालने का खर्चा होता है थोड़ा, और एक बार पाइपलाइन डाल दी तो गैस इज कुल बी ट्रांसपोर्टेड रिलेटिवली इजिली, उसका ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, एंड गैस इज रिलेटिवली एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड चीप अल्टरनेटिव टू द पेट्रोलियम. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड हम फॉर्म कर रहे हैं इन 8 states ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ 1656 किलोमीटर. सो वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नहीं, and central government is financing 60% of it at its own cost. ye 60% hum hi de denge, center ne keh diya yaane. So then it become viable ultimately, like ye present government has given highest importance to north east. ye ek waqt pura bharat chhod diya par north east pe unka bahut ye hai yaane. So we should like promote oil and shale gas. presently ye sab market mein oligopolistic situation hai. oligopolistic matlab kya hota hai ki handful of people control the market. इंडिया में एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करके है. सो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ये देखता है कि मोनोपोलीज न रहे, कंपटीशन शुड बी देयर. सो टेक्निकली हर एक क्षेत्र में भारत के कंपटीशन तो है ही, पर फिर भी ऑलिगोपोलिस्टिक सिचुएशंस है जहाँ पे वो मोनोपोली की तरह ही काम करते हैं. हैंडफुल पीपल डोमिनेट द मार्केट. ऑलिगोपोली हर एक क्षेत्र में है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी है. दिस इज वन ऑफ द रीजन गिवन बिहाइंड The suicide of Sushant Singh Rajput. सुशांत की जो suicide हुई, उसके पीछे भी oligopolistic situation जो है, that has been said as one of the reason. So mainly government PSU ज़्यादा dominant है, IOC, BP, HP, और backside पे Reliance, Adani, SR वो भी है इसमें यानी. So government is getting a huge taxes like 3.65 lakh crore center and 2.30 lakh crore state is getting through the oil. So we should also like trying to blend the ethanol 10% in the oil, even going to try out methanol 20% and also 5% biodiesel. So ethanol, methanol, biodiesel, ये सब add करेंगे petrol में तो उतनी import की ज़रूरत कम पड़ेगी. Brazil में 50% ethanol order करते हैं petrol में, 50%. So that much they have progressed और हम तो अब तक अभी तो 10% पे हैं ना. So there's a lot of like a scope to invest in R&D, improve our research in the blending the ethanol, methanol, etc. और उसके वजह से क्या होगा कि oil bill will come down in the coming times. और we are also making for food grain sanitizers, ethanol food grain से ही बनता है. तो excess food grain हमारे पास है fortunately that we can use in this sector also like next. अब यहाँ पे थोड़ा वक्त कम पड़ रहा है. तो रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन इमीडिएटली डिस्कस लाइक है. सो आपने सुना होगा कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है. हाउ मेनी ट्रेन्स आर गोइंग टू बी आउटसोर्स्ड? 150 ट्रेन्स आर टॉकिंग. ऑफ कोर्स दैट कम्स आउट टू बी जस्ट 1.1% ऑफ ऑल रेलवे इन प्रेजेंटली इन इंडिया. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है भारत का. एंड इट्स लाइक कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑपरेटेड, लाइक प्राइवेट allowed in some sectors like a container transport. Passenger transport में private वैसे भारत में नहीं है technically, which is the only private train going on in India at present, which is the only private train operates. वंदे भारत? तेजस express. नहीं, तेजस भी IRCTC operate करती है. IRCTC तो government का ही है. वंदे भारत? कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है तो वहाँ ब्रिटिशों ने ट्रेन खास डाली थी यानी नैरो गेज है यवतमाल टू अमरावती
ये रन करती है ने, तो ये जो ट्रेन है दैट्स ओनली वन वे प्राइवेट ट्रेन अभी भी ब्रिटिश कंपनी चलाती है ने। अदरवाइज इंडिया एज देर हैड लाइक अ मेट्रोज विच आर इन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और फुली ओन बाय द गवर्नमेंट। पर अभी क्या हो गया कि रेलवे इज लाइक ओनली 68,000 किलोमीटर इन इंडिया विच इज नॉट सफिशियंट फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया। अराउंड 8,000 रेलवे स्टेशन है पर वो भी कम है संख्या में, जितनी पॉपुलेशन जितनी जरूरत है इट्स रिलेटिवली वेरी लो। इसकी वजह से लॉट ऑफ प्रेशर हैज कम ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट कि भारत के नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है बट दे आर कैरिंग द 40% ट्रैफिक। वाई? बिकॉज रेलवे इज नॉट सफिशियंट ना। रेलवे की सिग्नल सिस्टम भारत की 100 साल पुरानी है, 100 years old। तो बाकी के देशों में जो म्यूजियम में रखते हैं वो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। नो सरप्राइज इंडियन रेलवे इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट डिलेज, मेनी मेनी इशूज आर देयर। तो फिर गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि नेक्स्ट 12 years इट विल रिक्वायर अ फंड ऑफ 50 lakh crore टू ऑपरेट द रेलवेज। 50 lakh crore लगने वाले हैं 12 सालों में। तो क्या गवर्नमेंट के पास इतने पैसे है? सवाल ही नहीं आता है ना, इतने पैसे कहाँ से लगी गवर्नमेंट ने? तो अभी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है तो फिर कौन? प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन। और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का कहना है कि वैसे भी अभी क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट गेट्स मेनली रेवेन्यू फ्रॉम द कार्गो, स्पेशली कोल ट्रांसपोर्ट। कोल का ट्रांसपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर होता है और बाकी का कार्गो, और पैसेंजर से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। पर पैसेंजर के फेयर यू कांट इंक्रीज, पॉलिटिकल इशू होता है, फेयर बढ़ाते हैं तो लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि पैसेंजर ये तो सब्सिडाइज है, हमारे यहाँ पे रिकवर्स ओनली 53% कॉस्ट ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। आधा ही कॉस्ट रिकवर होता है, बाकी आधा तो सब्सिडाइज होता है। तो फिर रेलवे लॉस में चलती है, तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा ही रहता नहीं, तो फिर ये सब ओवरहॉलिंग कैसे होगा रेलवे का? और जब तक रेलवे का कुछ नहीं होता तब तक इंडियन इकोनॉमी भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। बिकॉज रेलवे इज इवन टुडे वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट फास्टेस्ट मेथड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन लाइक है। तो फिर इसमें वी हैव टू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन, उसमें कुछ सवाल ही नहीं है ना। तो प्राइवेटाइजेशन करना है तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो रेलवे इज बीन प्लेइंग अ रोल कि जैसे अभी आप देखेंगे ठीक से, तो सपोज अगर बजाज कंपनी है और वो बाइक बनाती है, बजाज बाइक, बजाज स्कूटर्स, तो बजाज बाइक बनाती है मतलब क्या बनाती है एग्जैक्टली? डू दे मेक मिरर्स? डू दे मेक अ सीट ऑफ अ बाइक? इंजन, इंजन ऑफ द बाइक, इंजन। बजाज बनाती है मतलब इंजन बनाती है, बाकी मिरर, सीट, वो टायर, वो सब बाहर से आउटसोर्सिंग करती है और स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक होता है। एंड इट सेल इट एज अ बजाज बाइक, पर उसका मतलब बजाज सब कुछ नहीं करते, उनका कोर तो इंजन है। तो बस उसी तरह से रेलवे का भी थोड़ा लॉजिक लगना पड़ेगा कि रेलवे सपोज बजाज है तो रेलवे का इंजन क्या है? व्हाट इज द कोर ऑफ अ रेलवे? रोड ट्रैक, ट्रैक्स उनके मेन है। तो यस, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही उनका मेन है, बाकी उस पर रेलवे चलाना ये तो कोई भी कर सकता है। रेलवे ने इतने सालों में 150 सालों में अगर क्या तैयार किया होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिग्नलिंग सिस्टम है, उनके पास एक्सपर्ट लोग है हु नो हाउ टू ऑपरेट रेलवे, हाउ टू मेंटेन ट्रैफिक करेक्टली, पायलट ड्राइवर्स है यानी हु कैन रन द ट्रेन्स। सो दैट इज द मेन कोर ऑफ रेलवे। तो रेलवे ने स्टेशन मैनेजमेंट, कैटरिंग, खाना खिलाना लोगों को, गिविंग द मिनरल वाटर, ये सब करने से पहले दे शुड डू दिस ऑल आल्सो और नॉट? यस यस, कोर ऑफ रेलवे और नॉट? कि लोगों को खाना खिलाना, मिनरल वाटर की प्रोडक्शन करना, मेंटेनिंग रेलवे स्टेशन, तो मेंटेनिंग ये काम उनका नहीं है, ऑपरेट करना उनका काम है। मेंटेनेंस कुड बी आउटसोर्स ना, मेंटेनेंस कुड बी आउटसोर्स, आउटसोर्सिंग कुड बी बेटर मॉडल इन दैट लाइक। तो ऑलरेडी IRCTC नाम की कंपनी फॉर्म की है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और वही अभी सब देखती है ना द मेंटेनेंस ऑफ अ रेलवे इज इनसाइड लाइक। प्रोडक्शन करने के लिए बॉम्बार्डियर करके अलग से कंपनी है, तो अलग अलग कंपनियां हैं एंड देन दे कैन फेस द इन्वेस्टमेंट्स इनटू देम। तो इस तरह से रेलवे शुड लाइक लीवरेज देयर कैपेसिटी और अलग अलग एसेट को अलग अलग इसमें होल्डिंग कंपनियों में बिखर दे। जैसे रेलवे के पास बहुत सारे मैदान है, ग्राउंड्स,
आजू बाजू में, पर दिस ग्राउंड्स आर बीन यूज्ड एज लाइक स्लम एरियाज, कोई भी जाकर वहां पर रहता है, और रेलवे देन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकवर देम. तो बस मैदानों की एक कंपनी बना दो एंड देन यू कैन हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट दैट कंपनी. तो ये मॉडल अभी है यानी कि रेलवे के अलग अलग पार्ट कर दो एंड देन डिसाइड कि कौन सा रखना है और कौन सा प्राइवेट को चलाने के लिए देना है, और वेयर द यू कैन फॉर्म द पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. और ये सब करना जरूरी है अभी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रेलवे की ग्रोथ ही नहीं होगी, और रेलवे की ग्रोथ नहीं होगी तो इंडिया का कुछ होने वाला नहीं है. सो दिस वे द रेलवे हैज टू थिंक ऑफ इट लाइक. तो जब पहले बार गवर्नमेंट अनाउंस किया कि हमें कोई रेलवे चलाने के लेंगे प्राइवेट को, बिग कॉन्ट्रोवर्सी हुई. तो गवर्नमेंट अगले ही दिन मुकर गई और बोले कि ठीक है किसको देंगे, तो IRCTC को देंगे. सो दो तेजस ट्रेन जो है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने IRCTC को दी. तो IRCTC को तो गवर्नमेंट का ही है, ये कंपनी गवर्नमेंट की ही है, पर एक तरह से वो यानी सेमी गवर्नमेंट है, एक PSU जैसी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है बट इवन प्राइवेट आर इन्वॉल्व इन टू इट. बट दैट्स लाइक अ सिग्नल गवर्नमेंट हैज गिवन कि आगे चल के एक एक करके हम इस तरह से हम देंगे यानी. तो गवर्नमेंट अनाउंस अकॉर्डिंगली अनाउंस 150 रूट्स हम दे देंगे प्राइवेट को चलाने के लिए. तो आइडिया अच्छी है, पर देन इट हैज क्रिएटेड कंट्रोवर्सी. व्हाट इज द कंट्रोवर्सी इनटू इट? Can you imagine the controversy? Or what is the issue? Like, issue kya hota hai isme? Jyada income wale groups de routes denge to kam income wale route kaun chalayega? Sabse bada issue ye hai ki agar aap profit making routes de doge private ko, Delhi Mumbai, Mumbai Ahmedabad, दिल्ली वाराणसी, ये सब मेन रूट्स है, अगर वो प्राइवेट को दे दिए तो देन ऑल लॉस मेकिंग रूट्स विल रिमेन विद रेलवे ना. तो वो प्रॉफिट में जाएंगे और रेलवे घाटे में जाएगी एक दिन, एंड देन से सी यू आर इन लॉस. तो देयरफॉर रेलवे यूनियंस आर अपोज टू इट. रेलवे की यूनियनिज्म बहुत स्ट्रांग है, सब तरह की यूनियन है, इंटक है, सीटू है, आईटक है, BMS भारतीय मजदूर संघ है, ऐसे 10-12 यूनियन है, सबके साथ अपोज है, एवरीबडी इज अपोज टू दिस आइडिया. रेलवे में 12 लाख लोग काम करता है, 15 लाख की लेके स्ट्रेंथ दी है उनको, लेकिन प्रेजेंटली 12 लाख पीपल वर्क. तो 12 लाख इज अ स्ट्रांग फोर्स, लाइक हर एक के घर में 5 लोग है, तो यानी 60 लाख पीपल आर नियरली डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रेलवे, और उनके रिलेटिव वगैरह पकड़ के 1 करोड़ से ज़्यादा ही हो गया है ने. तो रेलवे इट्सेल्फ इज अ इकोनॉमी, रेलवे इट्सेल्फ इज अ बिग इकोनॉमी ऑफ अ सेंस इन द इंडिया. तो दे आर अपोज टू दिस आइडिया. वो कहते हैं कि एयर इंडिया में भी ऐसे ही हुआ, एयर इंडिया का क्या हुआ कि जो प्रॉफिट मेकिंग रूट थे दिल्ली मुंबई वगैरह, वहाँ पे सब प्राइवेट आते गए, एंड एयर इंडिया कीप ऑपरेटिंग द लॉस मेकिंग रूट्स, और ऐसे करते करते एयर इंडिया खुद ही लॉस में चली गई, एंड टुडे इज इन कंप्लीट ट्रबल. अभी तो इतनी प्रॉब्लम है कि यानी बंद भी नहीं हो सकती और कोई ले भी नहीं रहा है. समथिंग सिमिलर हैपन विद द MTNL BSNL, वो भी सिर्फ गाँव गाँव देते रहे नेटवर्क, और शहरों में को किसने कैप्चर कर दिया? प्राइवेट ने कैप्चर कर दिया. प्राइवेट वाले वोडाफोन और ये सब कहाँ गांव में गए? वो तो कभी गांव में गए ही नहीं, वहाँ पे तो BSNL का देता रहा सर्विस, एंड देन वन डे BSNL इटसेल्फ इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर. तो ये एक प्रकार मोडस ऑपरेंडी होती है प्राइवेट की, कि आओ प्रॉफिटेबल रूट ले लो और प्रॉफिट में जाओ, एंड देन पुट द गवर्नमेंट PSU इनटू लॉसेस, और एक दिन उसको बंद ही कर दो यानी नियरली, और खुद की मोनोपोली तैयार कर लो. जैसे अभी BSNL MTNL बंद पड़ गए, तो ना जियो वोडाफोन दे हैड नियरली इन द मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन द टेलीकॉम मार्केट. वो कहेंगे वो प्राइस, दैट इज हाउ द थिंग्स आर नाउ लाइक. तो अगर यही रेलवे में भी होगा तो देन दैट्स लाइक, एंड देन यू नो ऑलरेडी द मोडस ऑपरेंडी ये सब कैसा होता है, तो देन दैट्स इनकरेक्ट लाइक. सो रेलवे वाले क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं कि देर अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन, वो कहते हैं कि आप क्या करो कि है जो रूट वो कायम रखो, और उसी में नए ट्रेन सर्विसेज दो, या फिर नए रूट्स निकाल के वो प्राइवेट को दो, तो वो ठीक है. Why you are giving the existing routes or existing popular trains to the private? तो वो भी एक तरह से सही है रे. और भी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज है, ये सब प्राइवेट वाले भी क्या यूज़ करेंगे कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का स्टाफ होगा, सब रेलवे का होगा, पर प्रॉफिट विल गो टू देम. और सबसे कड़ी इंटरेस्टिंग बात ऐसी होगी, ये जो प्राइवेट रेलवे चलेगी दैट विल वर्क टाइम टू टाइम,
तो उनके लिए टाइम फिक्स किया जाएगा और रिजर्व रखा जाएगा, और उसी वक्त इंडियन रेलवे की दूसरी कोई ट्रेन होगी तो दे हैव टू वेट, और ये जो प्राइवेट ट्रेन है वो चलेगी अपने टाइम पे ना। अगर प्राइवेट ट्रेन लेट होती है तो क्या होने वाला है? लॉस। नहीं तो फिर द पैसेंजर्स विल गेट द एंग्री। नहीं एंग्री भी नहीं, वो भी ठीक है, उनको रिफंड देने की है, यानी कि जितनी लेट होगी, एक घंटा लेट हो गई तो 100 रुपए एक घंटे के, तो ऐसे यानी स्टैंडर्ड है कि दुनिया भर के स्टैंडर्ड है। तो प्राइवेट ट्रेन में ऐसा लॉजिक होगा कि अगर लेट होती है तो कस्टमर विल गेट द मनी, सम मनी बैक। सर असं नाही करता येत का की 50% म्हणजे प्रॉफिट रूट आणि 50% लॉस रूट डिवाइड करून देता येत नाहीत का? प्रायव्हेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन द लॉस रूट, वो भी जाएंगे ना, वो तो फिर प्रॉफिट मेकिंग रूट में ही आएंगे, दे नॉट रेडी टू गो देयर। ये तो सबसे बड़ा इशू है। तो प्राइवेट आएगा तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि एटलीस्ट दे कैन इंक्रीज द फेयर ना? गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम क्या हो गया कि गवर्नमेंट को इंक्रीज नहीं करने आ रहा है फेयर, लोग अपोज करते हैं कि गवर्नमेंट भिखारी है क्या कि फेयर बढ़ाता है, पर प्राइवेट आएगा तो अपने आप लोग फेयर देंगे। क्यों देंगे? प्रत्येकाला पोट अस्त, एवरीथिंग हैज टू लीव ना, प्राइवेट है तो फिर लोग देंगे, यानी वो देंगे, सर्विसेज भी वैसे देंगे। पर कॉन्ट्रोवर्सीज में क्या है कि इनके लिए स्पेशल टाइमिंग होगा, अगर वो लेट होते तो उनको ये देगा, इसलिए देन दे हैव टू बी लाइक टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब वो टाइम टू टाइम, और बाकी इंडियन रेलवे की जो है वो टाइम पे नहीं चलेगी। जैसे एयर इंडिया के टाइम पे नहीं चलते प्लेन्स, और बाकी इंडिगो और बाकी सब टाइम पे चलते हैं। तो ये क्या लॉजिक है ना, ऐसे क्यों है ना भाई, वन शुड गो ऑन टाइम टू टाइम। कि अगर यही लॉजिक कि अगर लेट होता है तो पैसा रिफंड मिलेगा कुछ ना कुछ, अगर मेरे बारे में लगाएंगी गवर्नमेंट, बचपन से ही रेलवे से घूम रहा हूँ और घंटों घंटों रेलवे लेट हुई है तो अभी के अभी मुझे लाखों रुपए मिल जाएंगे, मैं तो मालामाल हो जाऊंगा क्योंकि इतने सालों का ड्यू है ये ने। तो मेरे तो मैं तो इतने बार लेट होता हूँ तो रेलवे का भी यानी बोलती भी नहीं कि हमें खेदे करके, उनको लगता है कि उसमें क्या है, लेट तो लेट, वो तो नॉर्मल है यानी। तो इस तरह से यानी एटीट्यूड है, तो देन वाई प्राइवेट ओनली शुड गेट अ गुड एटीट्यूड एंड वाई इंडियन रेलवे पैसेंजर्स शुड नॉट गेट अ सेम कंडीशन, वो इशू है यहाँ पे यानी। तो इस तरह से क्या है कि प्राइवेट आएगा तो उसका एडवांटेज भी होंगे, दे विल ब्रिंग द बेटर टेक्नोलॉजीज, बेटर स्पीड, पंक्चुअलिटी, बेटर सर्विसेज, उनके सर्विसेज अच्छे होंगे, तो उससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगी। प्रेजेंटली इंडियन रेलवे डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन, ओनली कॉम्पिटिशन नहीं है तो बस वही करेंगे, वही सेवा है जो दैट वॉट दे विल डू इज लाइक अ फाइनल लाइक दैट टाइप ऑफ इशू इज बिन देयर लाइक। इंटरेस्टिंगली रेलवे मिनिस्टर इज फ्रॉम मुंबई ओनली, मुंबई के रेलवे मिनिस्टर है, कौन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मुंबई के, ही इज द इंडियन रेलवे मिनिस्टर, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीके जनरल नॉलेज, कौन है, मुंबई का ये आदमी रेलवे मिनिस्टर है आपको मालूम नहीं? वेरी पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, गोयल गोयल राइट, पीयूष गोयल जो है वही रेलवे मिनिस्टर है प्रेजेंटली, लाइक ही इज फ्रॉम मुंबई ओनली, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इनको लगता है कि नहीं पीयूष गोयल को कि प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा है ना, दैट्स द ओनली वे आउट, नो अदर वे आउट इज बीन देयर लाइक। तो एक तरह से सही है, करना तो है, पर किस क्रम से करना है, और इस तरह से करना चाहिए कि रेलवे भी रहे, जैसे रेलवे माँ है और प्राइवेटाइजेशन एक तरह से बच्चा होने वाला है, तो बच्चा भी रहे और माँ भी रहे, दो दो रहे, नहीं तो फिर बच्चा ऐसा एकदम हेल्दी और माँ मर गई, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ लाइक ऑपरेटिंग और वी लुकिंग एट थिंग्स। कि जैसे MTNL BSNL थे, प्राइवेट आए तो प्राइवेट आएगा तो MBSNL बंद पड़ गया नियरली, एयर इंडिया बंद पड़ गया, प्राइवेट बड़े हो गए, तो ऐसे क्यों है ना, बोथ शुड बी देयर एट अ टाइम। रेलवे को भी होना पड़ेगा, और ऐसे प्राइवेट सेक्टर ही आ गया तो देन प्राइवेट गो फॉर फ्लेक्सी फेयर। फ्लेक्सी फेयर मतलब ये क्या करेंगे कि जैसे जैसे दिन पास में आता है रेलवे चलने का तो फेयर बढ़ाते जाते हैं, जैसे एयरलाइन वाले करते हैं कि आप लास्ट घंटे में लोगे टिकट तो 40,000-50,000 मुंबई दिल्ली के लिए कुछ भी लगाते हैं, क्योंकि सामने वाला नीड में होता है ना, सम एक्सीडेंट मस्ट हैपन विद रिलेटिव, समबडी इज डिसीज एंड ही हैज टू गो, तो बस लूट लो, दैट्स एटीट्यूड दे कीप। तो वहाँ पे कौन होना चाहिए, तो एक तो कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए गवर्नमेंट का,
the government alternative company hogi, so that is they don't do that. And apart from that, regulatory body should be there. So already government has formed the regulatory body for fair prices and fares. So that should also become active in this case. Like, baki Indian Railway ne bhi right sizing karni chahiye. Itne 12 lakh employees ki zarurat nahi hai. They should go for like reducing the number of employees. Production units unke saath jo railway ke owned hai, Rai Bareli mein hai, Chennai mein hai. So government want to turn them into PSUs. पर एम्प्लॉय कहते हैं कि आज आप पीएसयू करोगे कल उसको प्राइवेटाइज कर दोगे. सो दे आर आल्सो अगेंस्ट द टर्निंग दिस प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू द पीएसयूज. तो ये सब झगड़े होंगे ही, होने ही वाले हैं. पर ये भी सच है कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा. यानी वी हैव टू गो अहेड सच अ वे, बट ये जो पहले के अनुभव है ध्यान में रखते हुए, इट शुड बी अ विन विन केस एंड शुड नॉट बी अ विन लूज केस. ऐसा ना हो कि रेलवे खत्म हो गया और प्राइवेट बढ़ गया उनके कॉस्ट पे. प्राइवेट भी आए but same time railway should also sustain and grow like so what could be done. I think we discussed on the issue detail. If private, we can give the new routes to operator. If suppose humne ek bar dekha tha shayad ki say Pune Nashik railway, how much is the ticket? Then example dekha tha shayad ki Pune Nashik railway ka ticket kitna hai. डायरेक्ट तो ऐसे कोई ट्रेन ही नहीं है. देयर इज नो सच रूट ओनली और पुणे नाशिक डाला ही नहीं है. अभी उस इंडिपेंडेंस मिलके 72 इयर्स हो गए हैं पर अभी तक हम डाल नहीं सके हैं. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. पुणे नाशिक का वन ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट है, एकदम मेजर सिटीज है, फिर भी हम डाल नहीं सके हैं. तो स्कोप है कि नहीं प्राइवेट को फिर यहाँ पे? तो ऐसे बहुत सारे रूट्स है. विच आर गोइंग टू से पुणे नाशिक रेलवे डाली तो प्रॉफिट में चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी. पुणे नाशिक का तो मेजर सिटी है और दोनों का फायदा भी होगा कि प्रेजेंटली बाय गोइंग बाय बस इट टेक्स 6 टू 7 आवर्स. रेलवे चलेगी तो 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचेगी. तो दैट विल बी द बेस्ट आइडिया लाइक. तो ऐसे बहुत सारे रूट्स है जो डेवलप कर रहे हैं. प्राइवेट विल बी बिल्ड कॉल्ड इन दैट. वहां पे प्राइवेट को आप एंगेज कर सकते हो. So there is a scope for private also, there is a scope for government also. Dono ko hi scope hai. We should have that type of middle path been built up. So we have to presently welcome, but one should be also careful. Is a profit making route chale gaye or loss making rahe gaye, that type of logic will not do like that. Or it should not be a backdoor privatization of railway. Privatization ka matlab kya hona chahiye ki Indian railway bhi chale and private should also come as a competitor. Agar railway khatam karke private chalegi, so वैसे भी it will be jumping from the public monopoly to private monopoly. तो monopoly अच्छी होती है बुरी होती है? Danger. Monopoly is बुरी होती है. बुरी होती है. Public monopoly is bad and private monopoly is worst. Correct. Public monopoly is bad and private monopoly is worst. तो ऐसा ना हो कहीं मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ. ओके, तो एक 5 मिनट में हम एक लास्ट इशू खत्म करेंगे. वो है एक करेंसी, डिजिटल करेंसी सिस्टम का है. कैसे हो गया कि एज यू नो द बिटकॉइन इज वेरी फेमस एज अ क्रिप्टो करेंसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अ स्टांस कि हमने बैन कर दी है. सो हमने बोला
आगे चल के जब कोर्ट में इशू गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इसे कब कहा था, यानी हमने ऐसा कहा ही नहीं था। वैसे भी आप बिटकॉइन को बैन कैसे करोगे, यानी ये तो यूनिवर्सल करेंसी है, डिजिटल है, यानी आपको क्या वेबसाइट भी बैन कर सकते सबके सब, यानी तो दैट्स अ गुड लेसन कि इस तरह से, यानी ये जो निगेटिव आइडिया है इसको बैन करो उसको बैन करो उसको बैन करो, उससे क्या करो, गवर्नमेंट अपनी करेंसी बनाओ, रेगुलेट करो, रेगुलेट से भी और क्या अच्छा है, अपनी करेंसी बनाओ। अपना देखो ना अल्टरनेटिव, गिव द पीपल अल्टरनेटिव ना, आप लोगों को अल्टरनेटिव दो तो लोग क्यों लेंगे बिटकॉइन, आपका कॉइन लेंगे ना। गवर्नमेंट अगर कॉइन निकालता है डिजिटल करेंसी तो दैट विल बी मोर ऑथेंटिक, और बिटकॉइन विल बी मोर ऑथेंटिक, गवर्नमेंट करेंसी। बिटकॉइन को तो कोई ओनर भी नहीं है, किसने किया था वो मालूम भी नहीं, अभी वैसे ही चल रहा है तो दैट इज वोलेटाइल, अप एंड डाउन होता रहता है। गवर्नमेंट निकालता है तो दैट विल बी द बेस्ट। तो जैसे अभी कोविड का ये चल रहा है तो वैसे भी इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर द कैशलेस इकोनॉमी, प्रमोटिंग कैशलेस इकोनॉमी इन द कंट्री। तो चाइना हैज टेकन लीड, कि चाइना ने क्या किया है कि 1:1 रेशो रख के, 1:1 रेशो रख के इन मेनी एरियाज इन चाइना दे आर ऑन द पायलट ट्रायल ऑफ अ डिजिटल करेंसी। ये ऐसी करेंसी की जो यू कांट टच, इट इज अ डिजिटल फॉर्मेट, और डिजिटल होके भी जो पॉइंट होगा डिजिटल दैट विल बी सेम एज लाइक अ नॉर्मल करेंसी। तो एज इट इज बी पे ऑन लाइक गूगल पे, पेटीएम, हम तो वैसे ही पे करते रहते हैं। तो वाई नॉट इंस्टेड ऑफ रनिंग अ फिजिकल करेंसी डायरेक्टली इन अ डिजिटल करेंसी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट मेंटेन इन द सिंगल लेजर सिस्टम, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो गवर्नमेंट करेंसी निकलती है तो पीपल बिलीव इन टू इट नॉट, यस दे हैव टू बिलीव, इट्स अ लीगल टेंडर ना, इट्स अ लीगल टेंडर ही होता है अगर गवर्नमेंट निकालती है तो। और वैसे भी करेंसी क्या होती है, करेंसी इज अ फियाट मनी, फियाट इज अ ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, अ डिक्री विच इज अनफॉलिएबल। वैसे भी व्हाट इज द करेंसी, गवर्नमेंट डिसाइड लाइक कैन गवर्नमेंट डिक्लेअर हैंकरचीफ एज अ करेंसी, हाथ रुमाला करेंसी डिक्लेअर करू शकते गवर्नमेंट, नो यस नो नो यस, वैसे भी करेंसी डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है व्हाट इज अ करेंसी। तो एक बार स्वीडन में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अ पेपर, दे हैव पुट अ स्टैम्प्स ऑन हैंकरचीफ एंड हैंकरचीफ इज यूज्ड एज अ करेंसी। तो इस तरह से वैसे तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गो फॉर डिजिटल करेंसी ऑन देयर ओन इन दैट केस लाइक। तो चाइना ने पहला एफर्ट किया है, डिजिटल करेंसी का फायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट का कॉस्ट करेंसी प्रिंटिंग का बढ़ेगा या कम होगा। तो ये बंदे आ रही है, हेलो हेलो आवाज आ रही है, यस यस सर, ब्रेक होते थोड़ा सा। तो डिजिटल करेंसी में काउंटरफिटिंग करना इजी है, डिफिकल्ट है काउंटरफिट करेंसी करना, डिफिकल्ट मतलब नकली, पाकिस्तान कीप डूइंग दिस प्रॉक्सी वॉर, फेक करेंसी बनाता रहता है, तो एटलीस्ट विल बी सेव्ड फ्रॉम दैट ट्रबल लाइक। तो फिजिकल करेंसी का कॉस्ट कम हो जाएगा, काउंटरफिटिंग का इशू खत्म हो जाएगा, मॉनेटरी बैलेंसिंग करना रिलेटिवली इजी होगा, ज्यादा मनी सप्लाई करना निकाल लेना, मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट केस, एंड ट्रैकिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी आल्सो इजी कि क्या चल रहा है। इतने सारे फायदे हैं उसमें टर्निंग इनटू डिजिटल करेंसी, पर नुकसान भी कौन सा है, व्हाट इज कैन यू थिंक ऑफ नेगेटिव साइड फ्रॉम पीपल्स परस्पेक्टिव, कि लोगों का फ्रीडम बढ़ेगा या कम होगा,
कम ही ऑयल कम होगा ना, लोगों का फ्रीडम कम होगा कैसे? Everything will be tracked. Correct. It's like giving all your like life on the platter to the government information. कि आप क्या क्या बाय कर रहे हो, कहाँ से, कितने, किस समय, क्योंकि डिजिटल करेंसी लेजर विल बी गवर्नमेंट ना, तो गवर्नमेंट पूरा ट्रैक करेगी यानी कि मैंने अमेजोन पे कोई पिक्चर डाउनलोड किया और वो देख लिया तो किसको इमीडिएटली पता चलेगा? गवर्नमेंट. तो मैंने पेमेंट उसमें किया है तो डिजिटल इसमें तो वो ट्रैक करेगी कि यही पिक्चर क्यों देखा. तो आर यू लाइक लेफ्टिस्ट पर्सन लाइक, तो ट्रैक करना पड़ेगा. ये आदमी तो डेंजरस लग रहा है यानी. हमारे आदमी कौन है जो राइटिस्ट सोचेंगे? तो बिग ब्रदर, गवर्नमेंट विल बिकम बिग ब्रदर. तो ये गलत है ना. लोगों को अपना तो फ्रीडम होना चाहिए. मैं क्या परचेस कर रहा हूँ वही गवर्नमेंट शुड नो ना. ये गवर्नमेंट को क्या देने की जरूरत है? मैं कौन से बुक्स खरीदी कर रहा हूँ, व्हाट बुक्स आई एम परचेसिंग, या व्हाट टाइप ऑफ हैबिट्स आई हैड, वाई गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू इट. अंटिल आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंटी सोशल, गवर्नमेंट को इसको भी लेना देना होना नहीं चाहिए ना. और इसमें ये धोखा है, ये प्रॉब्लम है. तो इसलिए पीपल विल अपोज दिस आइडिया. चाइना में तो अपोज नहीं किया. क्यों? चाइना में तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. तो चाइना में ऐसे भी आप अपोज कर नहीं सकते. यू कैन नॉट अपोज एनीथिंग इन चाइना. तो चाइना को कुछ भी करना इजी होता है ने? कुछ भी करो, कोई बोलता ही नहीं कुछ भी है. इंडिया में तो डेमोक्रेटिक है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने करना चाहिए, आरबीआई शुड टेक अ लीड. पर ये लोग बहुत लेजी है. तो फिर हु इज लाइक ट्राइंग टू गिव रेडीमेड सॉल्यूशन कि मैं देता हूँ करेंसी आपको, आप वो यूज कर लो. आप क्यों करो? बैड सेक्टर. नो नो, हु वन पर्सन एम्परर है वो आज का जमाने का. कि जैसे एम्परर की पॉपुलेशन होती है, उसके पास भी बहुत बड़ी लोकसंख्या है. 40 करोड़ लोग है. उसने भी करेंसी लॉन्च की है, यानी कर रहा है. पुलिस नॉट लॉन्च इट. व्हाट्स द नेम? लिब्रा. तो स्टार्टिंग में सोचा कि मैं खुद की पूरी लॉन्च कर दूंगा, पर दुनिया भर के लोगों ने अपोज कर दिया. सब देशों के बैंकों ने, कि भारत के आरबीआई ने भी अपोज किया, ट्रम्प ने भी अपोज किया. ट्रम्प ने कहा कि तुझे अगर करेंसी लॉन्च करनी तो तू मेरा कंप्यूटर बन गया ना, क्योंकि ऑलरेडी वो एम्परर ही एक तरह का, और अभी करेंसी भी लॉन्च करेगा. ट्रेडिशनली सुल्तान जो होते थे वो करेंसी लॉन्च करते थे, देन दे आर कॉल्ड एज अ सुल्तान. कि ऑफिशियल किंग इज व्हेन ही इशूड द करेंसी. अभी लिब्रा निकाल दी तो यही सुल्तान हो गया. तो फिर ट्रम्प ने तो बोल दिया मार्क को कि यू अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंस, यू फर्स्ट अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंस, फिर हम देखते हैं. तो उसको पता चल गया ये कोई मानने वाला है नहीं. तो फिर उसने बदल दिया अभी प्लान. लिब्रा लॉन्च किया देगा, पर कैसे लॉन्च करेगा? कि वो खुद की करेंसी से लॉन्च करेगा. जिस देश को डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी है उनको वो प्लेटफॉर्म देगा कि मेरी ले लो, मेरे पास सॉफ्टवेयर तैयार है. लिब्रा और आपकी करेंसी एक साथ लॉन्च करते हैं, मेरी करेंसी आप यूज करो, मेरी करेंसी आप यूज करो. तो इवन दैट ऑप्शन इज गोइंग टू ऑफर नॉट टू इंडियन गवर्नमेंट. और उसकी ले ली तो और क्या प्रॉब्लम है? तो उसके पास जाएगा, वो ट्रैक करेगा. तो गवर्नमेंट ट्रैक करेगा या वो, ये बड़ा हमारा है ना दुविधा है, किसको ट्रैक करने दे. वैसे भी हमें वो आधा तो ट्रैक ही करा रहा है. व्हाट वी डू इन द लाइफ इज ऑलरेडी ट्रैकिंग वेरी माइन्यूटली अस लाइक. तो ये सब इश्यूज भी है इसमें. पर वी शुड गो फॉर सच अल्टरनेटिव. डिजिटल करेंसी के अपने फायदे होते हैं यानी. उससे फिर यानी बाहर जाते वक्त बोलते हैं ना पॉकेट लेके जाओ. तो डिजिटल करेंसी हो तो फिर पॉकेट लेके जाने की जरूरत, मोबाइल लेके जाओ काफी है, मोबाइल में ही सब पैसा है. डिजिटल करेंसी होगा तो यार यू कैन गो एनीवेयर एंड डू द ट्रांजैक्शंस इजीली. इकोनॉमी विल मूव फास्ट. छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करना, स्मॉल स्मॉल ट्रांजैक्शंस विल बी इजीयर और डिफिकल्ट? इजी ना. डिजिटल में क्या होता है कि 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए कितना भी करो वैसे. और करेंसी के इसमें ऐसे नहीं होता 8 रुपए है तो 8 रुपए निकाल दे, प्रॉब्लम होता है कि नहीं होते 10 रुपए देते हैं, फिर बोलते हैं मेरे पास 2 रुपए छुट्टा नहीं है. तो तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, हम उसको कहते हैं गुस्सा होते हैं. उसके बाद शायद नहीं होता, लेकिन हम बोलते हैं कि तुम हमेशा ऐसे कहते हो मेरे पास छुट्टा नहीं है. तो ये सब झगड़े होते रहते हैं छुट्टे के. तो डिजिटल करेंसी में ये सब इशू ही नहीं है. छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं इजिली. बेस्ट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश के लिए सबसे अच्छा आइडिया है. सो वॉट गवर्नमेंट शुड डू, शुड लुक फॉर ऑल द ऑप्शन एंड शुड लुक गो फॉर इट्स ओन करेंसी. वैसे आरबीआई ने नाम तो सोच के रखा ही है पहले ही. क्या नाम सोच के रखा है?
भारत में ये चीज पहले कर लेते हैं, नाम सोच रखते रखते हैं, डिजिटल करेंसी के लिए नाम भी रखता रखा है, क्या नाम है यू कैन इमेजिन, लक्ष्मी, लक्ष्मी बेस्ट नाम क्या हो सकता है, लक्ष्मी ना, तो लक्ष्मी नाम रखा है, पर लक्ष्मी अभी भी अंदर ही है, कहीं अरे दिख नहीं रही है, वी आर नॉट एबल टू लॉन्च इट येट, वी शुड डू द एफर्ट्स, क्योंकि भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी है क्या? नो. तो ये सब फेसबुक वाला जो बनाने वाला है, तो फेसबुक में काम करने वाले इंजीनियर कौन होते हैं सब? इंडियंस. इंडियन ही होता है, तो इंडियन लोगों से मदद लेके बनाने वाला है, तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, पर हमारे लोग हमारे लिए बना सकते नहीं क्या? इफ दे कैन मेक इट फॉर आउटसाइड पीपल, सो दैट्स ओके, दे आर मेकिंग, वी शुड ऑल्सो मेक अवर ओन अल्टरनेटिव, जितने जल्दी हम करेंगे दैट विल द बेस्ट, बिकॉज फ्यूचर विल बी ऑफ फिजिकल करेंसीज और ऑफ डिजिटल करेंसीज. डिजिटल फ्यूचर डिजिटल का ही है श्योरली, है ना, फिजिकल करेंसी का फ्यूचर नहीं है ना, कुछ जनरेशन बाद है ना, नेक्स्ट जनरेशन, कुछ नई जनरेशन के लोगों को फिजिकल करेंसी कैसे दिखती है ये भी मालूम नहीं होगा, या ना दे विल नॉट इवन नो एक करेंसी क्या होती है, दिखती कैसी है, दे विल नो ओनली कंसेप्ट ऑफ करेंसी, दे विल नेवर सी इन द लाइफ द आइडिया कॉल्ड, जैसे हमने भी शेयर मार्केट के शेयर देखे है क्या, हैव यू सीन द शेयर्स ऑफ शेयर मार्केट? No. No. देख ही नहीं सकते, क्यों? डिजिटल होते हैं ना, डीमैट करके होता है, तो देख ही नहीं सकते, तो हमारे पहले जनरेशन वाले देखे थे शेयर्स, अभी न्यू जनरेशन सिर्फ कंसेप्ट मालूम है शेयर्स नाम की, पर दे कैन नेवर सी द शेयर्स, वैसे नई जनरेशन विल नेवर सी द करेंसी नोट्स, ये देखेगा ही नहीं, देयर विल बी ओनली डिजिटल करेंसी इन द वर्ल्ड, ठीक है. We'll continue this discussion, sir. We'll keep taking the sectors in between. Sir, जे आता PM केयर चे जे हे चालू आहे ना, काय म्हणतात, त्यांनी किती जमा झाले ते दाखवणार नाही. हो हो. हां, तर ते कशामुळे आपूच करत आहेत दाखवायला? तो नाही ना, मग ते लॉ मध्ये आहे RTI च्या, त्याच्यामध्ये म्हणजे एनी कन्सर्न ऑफ सिक्युरिटी, इंटरनॅशनल रिलेशनशिप, असं काही असेल अटी, लष्करी इशू, मिलिटरी, लाईक तरच देन यू कॅन हॅव लाईक अ लिबर्टी, बट देन व्हॉट दे सेइंग दॅट इट्स नॉट अ पब्लिक कन्सर्न, पण हे पब्लिक कसं काय नाही आहे, इट्स लाईक अ गव्हर्नमेंट कंपनीज आर पुटिंग द मनी इन टू इट, प्राईम मिनिस्टर्स नेम इज बीन यूज इन टू इट, PM केअर इट इज बीन कॉल्ड, देन इट्स अ पब्लिक ओनली ना, सो व्हॉट इज द ओनली आर्ग्युमेंट फायनली दे आर मेकिंग इज दॅट, की जो if congress has not kept the prime minister relief fund under the RTI, to sahi kiya tha ya galat tha? kya tha? galat tha. galat tha na, to do galat milke ek sahi hota hai ki nahi? nahi. nahi hota na. दो गलत मिलके एक सही नहीं होता है. कांग्रेस ने ऐसी चीजें की इसलिए तो उनको हरा के दिया, लोगों ने हरा दिया, इसलिए तो आपको लाया है, अगर आपको भी वही करना है तो फर्क ही क्या रहा है उनमें और आप में. सो दे शुड ब्रिंग क्विकली द PM केयर्स अंडर द RTI. सर आता अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट किसको जा रहे हैं, हु इज बिल्डिंग वेंटिलेटर, हु इज टेकिंग दिस ऑल, ये तो पता नहीं चल रहा है किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रही है. सर आता जर रिवॉल्वर नहीं केले तर मग काय होणार? Hello. No, no. People can fight through court. Court can push the government to reveal it, pretend RTI and reveal. पण सर या नाही करू शकते. ते या गोष्टीला आता नागपूर हायकोर्टाने तर नागपूर हायकोर्टाने तर 15 दिवसाच्या वर झाले ना त्यांना की रिव्हॉल्व करा म्हणून सांगून, आणखी पण नाही बरोबर आहे. सध्या कोर्ट प्रेझेंटली इज fully under the government influence. Supreme Court justice is still from Nagpur. Nagpur se sit aaple CJ. The high water problem ahe. Country if people push continuously and everywhere ask the question. Log jaha jayenge waha pe question puchenge.
तो देन गवर्नमेंट हैज़ टू रिवील. ऐसा नहीं होगा कि यानी लोगों ने प्रेशराइज किया और गवर्नमेंट बोलते रहे कि नहीं हमें आपको देना है, ऐसा नहीं होगा. पीपल कीप प्रेशराइजिंग, पीपल कीप पुशिंग. तो लोग पुश कर रहे थे, देन दे आर टॉकिंग अबाउट राजीव गांधी, वो कैसे मिसयूज किया था, यू नो, देन दे आर कमिंग विद दैट आर्गुमेंट. पर वापस ये फुटर आर्गुमेंट है. इफ कांग्रेस दैट टाइम हैज मिसयूज द फंड तो क्या कर दो. तो वैसे तो नहीं होगा ना तो ये बड़ा प्रॉब्लम इनका है कि हम जब भी पीएम से कुछ बोलते हैं कि वर्तमान इशू सॉल्व करो तो हमें वो फ्यूचर का सपना दिख. हेलो संपल है. अरे तुझे घेतले मी. हाँ लावलो लावलो. हेलो. इलेक्शन होता है ना बाकी स्टेट मध्ये. हॅलो 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 सर, आवाज येते सर? हॅलो सर, युट्यूबच बंद कर, युट्यूबच बंद कर. हॅलो. हा आवाज येते सर? अरे आवाज तुझा कट होतो. हॅलो.